इंदौर में अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करने वाले आरोपी पति पुनीत सचदेवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति पुनीत पर पत्नी के साथ अनैतिक संबंध बनाने का भी आरोप लगा है। सास पर आरोप है कि वह अपनी बहू को कुछ इस तरह प्रताड़ित करती थी कि वह शादी के 10 माह बीत जाने के बाद भी पंडित से कुंडलियां मिलवाने के लिए जाती थी। आरोपी पुनीत सचदेवा जो अब मल्हारगंज पुलिस की गिरफ्त में है। पुनीत का विवाह सियागंज के सुपारी का व्यापार करने वाले ओम प्रकाश कटारिया की बेटी गीता कटारिया से हुआ था। पुनीत अपनी माँ और बहन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण मल्हारगंज थाने में दर्ज है। पुनीत उसकी माँ और उसकी बहन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण मल्हारगंज थाने में दर्ज है। गीता के अनुसार श्याम लाल सचदेव इंदौर के बड़े दाल व्यापारी हैं। गीता ने बताया कि शादी के 10 महीने बीतने के बाद भी सास उनकी और उनके पति की कुंडलियाँ मिलवाती थी। यह शादी 10 मार्च 2019 को हुई थी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन और दीपक सिंह की रिपोर्ट। ये देखिए जो अभियान चलाया जा रहा था उसके तहत एक लगभग 5 महीने से हमारे यहाँ अपराधी पुनीत सचदेवा फरार चल रहे थे। ये दहेज प्रताड़ना का मामला था जिसमें उसमें आज उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। पुनीत सचदेवा, हाँ पुनीत सचदेवा पलसीकर कॉलोनी में रहते थे, ये व्यवसायी हैं, इनको आज गिरफ्तार किया गया है। मैं संजय मिश्रा, थाना प्रभारी मल्हारगंज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।